हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री 9th क्लास का देख रहे थे, हम 5.1 तक पहुंच चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में उसकी एक्सरसाइज की सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका मेन रूप से आपका कह रहा कि डिफाइन द ईच ऑफ द फॉलोविंग टर्म। यहाँ पे क्या है, कुछ टर्म्स दे रखे हैं, इसे आप डिफाइन कीजिए। जस्ट लाइक दिया है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड द स्फेयर। तो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर, दिस फाइव टर्म्स हमें डिफाइन करना है। हमें एक चीज़ और ध्यान देना है इस फाइव टर्म में, वो क्या है कि इसको डिफाइन जब भी हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरेलल लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई एक ऐसा टर्म यूज़ है कि उसे भी डिफाइन करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसे टर्म जो डिफाइन नहीं किए जा सकते उसे भी हमें यहाँ पे बताना है। जैसे कि यूक्लिड ज्योमेट्री का जो यूक्लिड की बुक है, उस बुक में जैसे जैसे जो बातें बताई गई है उस को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे इन पांचों को डिफाइन करना था। फॉर एग्जाम्पल पहला जो आपका है, पहला को हम डिफाइन करते हैं, पहला आपका कह रहा पैरेलल लाइन। तो आइए हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है, अगर हम दो लाइन खींचे, जैसे आपको पता होगा, आपने प्रीवियस जो है आपके छोटे क्लासों में आपने पढ़ा है कि पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, या जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल होता है इनफाइनाइट तक जाके। अगर हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करें किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा इक्वल होता है, मीन्स नो हैव एनी कॉमन पॉइंट। पहले इसमें क्या कंडीशन है, एक तो इक्वल डिस्टेंस होगा, इक्वल डिस्टेंस। सेकंड क्या है हमारा, नो कॉमन पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी किसी भी कंडीशन में कट नहीं करेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दो ऐसे लाइन जो एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे नहीं कट करते हैं, या जिनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होता है, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन कहते हैं। तो ये हमने कहा दिस इज एल और एम इज अ पैरेलल लाइन। तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, द टू स्ट्रेट लाइन। ये क्या आपका, ये स्ट्रेट लाइन है, टू स्ट्रेट लाइन विच हैव अ नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, द टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन, या नो कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। हेयर टू न्यू टर्म इज कम हेयर, वन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड स्ट्रेट लाइन आपका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से पहले हमें क्या डिफाइन करना है, लाइन, और एक पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड ज्योमेट्री पॉइंट इज अ नथिंग, पॉइंट इज दैट विच हैव अ नो पार्ट या विदाउट डायमेंशन। इसमें क्या होता है, पॉइंट क्या है, पॉइंट वो है जिसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। आपने देखा था कि सॉलिड था, सॉलिड के बाद जो सरफेस है, जैसे ये हमने कहा ये है, इसके बाद इसका सरफेस आ गया था, सरफेस के बाद लाइन आया था, लाइन के बाद एक लाइन जो होती है पॉइंट्स पे एंड होती है, पॉइंट्स को हम डायमेंशन लेस कह रहे थे। तो इसी को, ये जो डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, इसी पॉइंट को हमने क्या कहा था, नो पार्ट। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट विच हैव अ नो पार्ट, जिसके पास कोई पार्ट ना हो उसे हम पॉइंट्स कहेंगे। लाइन क्या होता है, लाइन जो होती है ब्रेथलेस लेंथ, ये हमने कहा दिस इज अ लेंथ। अगर हम इसमें ये लाइन खींच देते हमें कहेंगे ये कुछ इसकी ब्रेथ है ये, पर अगर ब्रेथ लेस हो, जिसमें ब्रेथ नहीं हो, जिसमें चौड़ाई नहीं होती है, वो हमारा लाइन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइन, तो लाइन इज अ ब्रेथ लेस लेंथ। एंड स्ट्रेट लाइन क्या हो गया, ऐसी लाइन वो जिसके ऊपर सारे पॉइंट इवेनली हो, यहीं पे आपके सारे पॉइंट इक्वली इवेनली एक ही लाइन पे हो, तो उसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। तो ये आप इसे पैरेलल लाइन को कैसे डिफाइन करोगे, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन यहाँ पे इसका आंसर आपका क्या आएगा, पैरेलल लाइन द टू स्ट्रेट लाइन विच हैव अ नो पॉइंट इज कॉमन आर कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। पॉइंट इज दैट विच हैव नो पार्ट, और लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवेनली विद द पॉइंट ऑन
इट सेल्फ, ये आपका पूरा आंसर होगा इस एक लाइन, एक पॉइंट या एक टर्म है पैरेलल लाइन का, ध्यान दीजिएगा ये आपका पूरा आंसर है इसका। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपका परपेंडिकुलर लाइन। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन के, ये आपका दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से इस लाइन को अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करा दें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज एम, इस एम के ऊपर मैंने इस एल को 90 डिग्री का रोटेशन कराया, कितने का कराया 90 डिग्री का रोटेशन कराया, तो ये हमारा आ गया एल। तो ये जो अब लाइन बना एल एम पे, इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, टू पैरेलल लाइन को 90 डिग्री पे रोटेट कर दे या 90 डिग्री पर टर्न कर दे, तो जो ये स्ट्रक्चर बनती है उसे हम बोलते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी आपको डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए। तो लाइन क्या हो गया, लाइन जो होती है वो हमारा ब्रेथलेस लेंथ होती है, और लाइन जो होती है दो पॉइंट पे एंड होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इफ वन अमोंग द टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री, विच टू लाइंस बिकम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर कहलाएगी, यही डिफाइन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइन, तो लाइन क्या हो गया, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ एंड लाइन विद अ टू एंड पॉइंट इज अ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे लाइन सेगमेंट हमने क्यों डिफाइन किया, बिकॉज यहाँ पे हमने लिखा है टू लाइन, ये टू लाइन जो है आप इसे एल और एम को लो है लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन सेगमेंट या लाइन सेगमेंट आपका क्या है, लाइन सेगमेंट मैंने कहा कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, तो ये दो पॉइंट्स आएगा। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया, लाइन सेगमेंट या लाइन विद द टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी एंडिंग है, अगर आप इसको नेमिंग करो तो कुछ इस तरह से होगा कि ए बी, ये हमने कहा सी, ये हो गया पॉइंट डी। तो ए बी जो सी डी है वो आपका परपेंडिकुलर होगा ए बी के, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट है। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करोगे, लाइन सेगमेंट आपने यहीं पे डिफाइन कर दिया। लाइन सेगमेंट क्या हो गया, द लाइन विद द टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और आगे आप क्या कहोगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर हम कहें कि ये आपका सर्कल है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस ये आपका क्या होगा, एक सेंटर होगा, सेंटर से इस पेरिफेरी पे या इस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट को मिलाने वाला जो डिस्टेंस होता है, लाइन जो होती है, लाइन जो है इसे हम रेडियस कहते हैं। तो वही लिखा है द लाइन सेगमेंट विद द वन पॉइंट एट द सेंटर एंड अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस। क्या है हमारा, द लाइन सेगमेंट, यहाँ पे आपने क्या कहा, द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट विद वन पॉइंट एट द सेंटर एंड अनदर कहाँ पे है, किसी भी पॉइंट पे पेरिफेरी में, उसके पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हो तो उनको मिलाने वाला जो लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। सेंटर क्या हो गया, सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, सेंटर क्या हो गया, सेंटर कहाँ पे है, इस सर्कल के अंदर है, तो हम क्या कहेंगे, सेंटर मे बी डिफाइन एज द पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इट इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट से, अगर हम सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, रेडियस इसके सेंटर की बात करें, तो सेंटर हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होता है, इसे हम रेडियस के लिए हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो लिखा हुआ है हमारा सेंटर क्या हुआ, सेंटर में भी डिफाइन एज द पॉइंट इनसाइड द सर्कल विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। अगला आपका क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर को कैसे आप डिफाइन करोगे, स्क्वायर के लिए बहुत आसान है कि आप कोई भी एक इक्विलेटरल ले ले जिसके चारों साइड इक्वल हो और चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री हो, चारों साइड इक्वल और चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो आप उसे स्क्वायर कहोगे। यहाँ पे एक शब्द आया इक्विलेटरल, इक्विलेटरल वो फिगर जिसमें चार साइड होती है उसे हम इक्विलेटरल कहते हैं। स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन है, चार साइड इक्वल हो और एंगल जो है वो 90 डिग्री हो या राइट एंगल हो। तो यहाँ पे आपने इसे यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से डिफाइन करने की कोशिश की। यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से डिफाइन करने का मतलब होता है, यू फर्स्ट यू डिफाइन द
टर्म्स आफ्टर दैट इन द डेफिनेशन द टर्म्स इज कमिंग या जो टर्म्स आते हैं उसे हम फर्दर डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैरेलल लाइन में मैंने पॉइंट्स और लाइन और स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया था. उसमें परपेंडिकुलर लाइन में मैंने लाइन सेगमेंट को डिफाइन किया था कि लाइन सेगमेंट वो क्या हो गया. लाइन सेगमेंट में मैंने पॉइंट्स को डिफाइन करना था तो पॉइंट ऊपर आपने डिफाइन ही कर दिया था. पॉइंट इज इन अ पॉइंट इज दैट विच हैव नो पार्ट. और रेडियस ऑफ सर्कल में आपने यहाँ पे लाइन को डिफाइन करना था और उस सेंटर को डिफाइन करना था तो आपने दोनों को डिफाइन किया. स्क्वायर के लिए आपने इक्विलेटरल का यूज़ किया था और इक्विलेटरल को फर्दर आपने डिफाइन किया है. तो आप यूक्लिड ज्योमेट्री को अगर आप बहुत ही सही से समझ लेते हो तो आपको ज्योमेट्री में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत नहीं होती है. तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि कंसीडर द टू पास्टुलेट गिवन बिलो. यहाँ पे दो पास्टुलेट आपका दे रखा है. पहला है गिवन एनी टू डिस्टेंट पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिट एज अ थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी. दूसरा है दीज एग्जिट एट लीस्ट द थ्री पॉइंट दैट आर नो ऑन द सेम लाइन. तो डू दीज पास्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म. आर दीज पास्टुलेट्स कंसिस्टेंट. डू यू फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पास्टुलेट एक्सप्लेन. ये तीन चीज़ें आपको बतानी है. तो अगर आप पास्टुलेट वन की बात करो वहाँ पे क्या दे रखा. गिवन एनी टू डिस्टिनेक्ट पॉइंट. हमने कहा कि दो डिस्टिनेक्ट पॉइंट हैं. एक है ए और दूसरा पॉइंट है बी. तो पास्टुलेट वन इज बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म विच अपील्स टू आवर ज्योमेट्रिक इंस्टीट्यूशन. देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो हैं पॉइंट्स होंगे और क्या है कि ये जो पॉइंट्स इसके बीच में हैं जो टर्म्स हैं वो अनडिफाइंड है. उसके बाद क्या दे रखा कि दीज एग्जिट इन द थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी. पास्टुलेट्स आर कंसिस्ट. देखिए एक हमने कहा कि ये पॉइंट यहाँ पे सी होगा पहला पास्टुलेट्स आपका बता रहा. दूसरा कह रहा दीज एग्जिट एट लीस्ट द थ्री पॉइंट एट और नॉट ऑन द सेम लाइन. एक है कि हाँ तीन पॉइंट है लेकिन सेम लाइन पे नहीं. मैंने कहा ए बी और पॉइंट सी. तो एक चीज़ है कि हाँ ये जो दोनों हमारा है ये पास्टुलेट्स फर्स्ट है ये पास्टुलेट सेकेंड है. बोथ पास्टुलेट्स डू नॉट कंट्राडिक्ट टू ईच अदर. तो वी सेज दैट द पास्टुलेट्स आर अ कंसिस्टेंट. यहाँ तो पास्टुलेट कंसिस्टेंट है क्योंकि एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा. दूसरा बोथ ऑफ दीज डू नॉट फॉलो द यूक्लिड पास्टुलेट्स. ये दोनों यूक्लिड के पास्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा. हाउ एवर दे फॉलो द एक्सियोम. ये दोनों एक्सियोम को फॉलो कर रहा है. एक्सियोम क्या है कि टू डिस्टिनेक्ट पॉइंट है. अगर हमने कहा कि एक डिस्टिनेक्ट पॉइंट ये है ए दूसरा बी है तो इन दोनों से एक यूनिक लाइन पास होती है. ये एक्सियोम को फॉलो कर रहा बल्कि यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहा. तो सबसे पहला जो लाइन है आपका ये ध्यान रखिएगा. इसको बहुत ही आसान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि दो पॉइंट है ए एंड बी. एक तीसरा पॉइंट है सी जो कि उनके बीच में है. तो इनके बीच में जो टर्म्स हैं वो अनडिफाइंड होंगे. सेकेंड पास्टुलेट कहता है कि ए बी सी तीन पॉइंट है पर एक लाइन में नहीं है. ठीक पर ये दोनों के सही है पॉसिबल है. ये दोनों एक दूसरे को कभी कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये दोनों के दोनों पास्टुलेट्स हमारा कंसिस्टेंट है. अगला क्या है कि ये दोनों कंसिस्टेंट तो है पर ये एक्सियोम के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे बल्कि ये पोस्टुलेट की जगह एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं. किस एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं तो देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पास थ्रू द टू डिस्टिनेक्ट पॉइंट. दो डिस्टिनेक्ट पॉइंट है तो उनसे एक यूनिक लाइन ही पास होगा. इसको ये फॉलो कर रहे थे. तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था जो मतलब आपको समझना है. बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती यूक्लिड केमिस्ट्री में यूक्लिड ज्योमेट्री में. आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो आपका इम्पॉर्टेंट है और वो है क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर को समझने की कोशिश कीजिए. क्वेश्चन नंबर फोर जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है. देखिए हम यूक्लिड केमिस्ट्री के ऊपर आपको वीडियो इसलिए दे रहे हैं बना के कि आप इसमें कोई भी आपको कोई भी दिक्कत अगर हो तो आप बहुत ही ईजिली यूक्लिड ज्योमेट्री में जो फाउंडेशन है ये चैप्टर जो है ज्योमेट्री का फाउंडेशन. अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए. देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लाइक नहीं करते हो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो इससे हमारे अंदर हम जो है हमें मतलब आप समझ सकते हो कि हमें थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिला. आप अगर लाइक कर देते हैं आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे कि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएंगे.
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है। इफ द पॉइंट सी लाइज बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। हमें इसे एक्सप्लेन करना है ड्राइंग द फिगर के साथ। तो हम क्या करते हैं, पहले एक फिगर ही खींच लेते हैं जिससे कि हमारे लिए सही हो। हमने कहा दिस इज द फिगर, हमने कहा ए, और क्या है ए पॉइंट सी है जो कि ए और बी के बीच में, तो हमने कहा ए है, ये हमारा बी है, एक पॉइंट इसमें दोनों के बीच में है, हमने कहा दिस इज अ सी। फिर कह रहा कि ए सी मतलब ये पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस ए सी, हमने कहा दिस इज अ एक्स, इक्वल टू बी सी, हमने इतनी ही दूरी पे है ये दोनों भी, हमने कहा ये एक्स, दोनों एक्स ही, मतलब दोनों इक्वल है, मतलब 50-50 है। तो हमें बताना है, प्रूव क्या करना है कि जो आपका ए सी है वो आपका 1/2 ए बी है, ये तो प्रूव करना है। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें गिवन देखना चाहिए। गिवन क्या है, गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपका ए सी इक्वल टू सी बी सी, हाँ ये आपका गिवन है, ए सी इक्वल टू बी सी गिवन है। अब आपने ये आपका चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री है, तो आपको यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री का एक्सियोम या पोस्टुलेट यूज करने चाहिए। तो यूक्लिड ज्योमेट्री कहता है कि अगर हम किस बोथ साइड में इक्वल को ऐड करेंगे तो यह इक्वल ही रहेगा। मीन्स यूक्लिड ज्योमेट्री की जो लाइन है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। तो अगर हम इक्वल्स को ऐड करते हैं तो ए सी, यहां पे हम क्या करेंगे इक्वल्स को ऐड करते हैं तो ए सी को ही ऐड कर दें, इधर हम बी सी में भी क्या करेंगे ए सी को ऐड करते हैं। तो ए सी ए सी अगर हम ऐड करते हैं, ए सी और ए सी अगर हम ऐड करते हैं, तो ए सी अगर हम ऐड करते हैं तो 2ac होगा, ac ac अगर हम ऐड करते हैं तो 2ac होगा, और अगर हम ac और मतलब इसको आप लिख लीजिए यहां पे bc प्लस ac, यहां पे भी आप क्या करोगे एक्सियोम लगाओगे कि अगर थिंग्स को इनसाइड विद द थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग। यहां पे देखिए क्या हमारा bc जो है b और c ये जो लाइन है ये और ए सी ये दोनों इस पूरे ए बी पे ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी जो है आपका मतलब बी सी प्लस ए सी जो है वो आपका क्या है ए बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2ac इक्वल टू ए बी। तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम ए सी, ए सी इक्वल टू क्या होगा 1/2 ए बी, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। यही आपको प्रूव करना था कि ए सी जो होता है 1/2 ए बी होता है। जस्ट अपोजिट भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं क्या है। अगर हमको यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया जाए तो हमें कैसे, हमें इसको क्वेश्चन बदल देंगे तो क्या है, हमने कहा कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कहे कि ए सी जो है हमारा किसके बराबर है बी सी के बराबर है, हम बोथ साइड बी सी को ऐड कर दे तो ए सी प्लस बी सी और बी सी प्लस बी सी। ये मैं आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप अब तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि AC और BC, AC क्या है
एसी आपका क्या है, एसी ये है, और बीसी आपका क्या है, बीसी आपने ये बना रखा, ये बीसी है। तो एसी और बीसी दोनों मिला के आपका क्या बन रहा है, एसी और बीसी दोनों मिला के आप एसी और बीसी जो है आप दोनों मिला के आप ये बोल सकते हो पूरा का पूरा ए भी बन रहा। तो आप यहाँ पे ए और बी रख सकते हो एसी बीसी की जगह, और बीसी बीसी को जोड़ोगे तो आपका टू बीसी आएगा। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, बीसी इक्वल टू वन बाई टू ए बी, तो आप इस ऐसे भी इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन जो हमने सेकंड वाला पार्ट बताया, ये अगर मैं पेपर बनाता तो हमेशा मैं यही पूछता, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए मैं ये पूछ लेता हूँ। तो अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जैसे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की तरफ मूव करेंगे, 5, 6, 7 देखेंगे। और लाइक कर लीजिए हमारी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।